मध्य प्रदेश के किसान कमलेश पाटीदार ने अपने 13 बीघा सोयाबीन की फसल को नष्ट करने का कदम उठाया। आखिर क्या मजबूरी थी इस किसान की? किसान ने अपनी फसल में कड़ी मेहनत और निवेश किया, लेकिन बाजार में आई मंदी ने उनके उम्मीदों को नष्ट कर दिया। फसल की कीमतें इतनी गिर गई कि लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। आखिरकार उन्होंने फसल को नष्ट करना ही बेहतर समझा। मंडी में सोयाबीन की कीमतें MSP से भी कम हो गई। MSP जहाँ 4,900 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत नीचे है। किसान मंडी में अपने अनाज को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं, जो उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। सरकार की नीतियां और योजनाएं किसान को इस संकट से उबारने में नाकाम रही। फसल बीमा योजना से लेकर कर्ज माफी तक कोई भी उपाय किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला पाया। नतीजा यह है कि किसानों के सामने अपनी मेहनत की फसल को नष्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। किसान के इस कदम का उनके परिवार और गाँव पर भी काफी गहरा असर पड़ा। न सिर्फ आर्थिक तंगी बढ़ी, बल्कि मानसिक तनाव भी गहरा गया। गाँव के अन्य किसान भी इस स्थिति से चिंतित है। अब किसान की इस कार्रवाई ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया। विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया और किसानों की स्थिति को सुधारने की मांग की। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिससे किसानों की बदहाली का मुद्दा सबके सामने आया। इस किसान की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अन्नदाता की यह हालत क्यों? क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी, या फिर और भी किसान ऐसे कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होंगे? बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में? किसानों को कैसे एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए? उन्हें कहाँ अपनी आवाज़ कैसे रखनी चाहिए, वो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।